देवों के देव महादेव को आराधना से प्रसन्न करने का महीना श्रवण मास रविवार से शुरू हो गया। सावन के पहले दिन शिवालयों में जल अभिषेक के लिए भक्त हाथों में जलपात्र लेकर उसमें बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, जल और दूध भरकर विधि विधान से पूजन अर्चन कर महादेव को अर्पित किया। सावन के पहले सोमवार को कूड़ाघाट स्थित महादेव झारखंडी मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भक्त सुबह से ही लाइन लगाकर हर हर महादेव का जयघोष करते जल अर्पण किए। इस मौके पर महादेव झारखंडी मंदिर के मुख्य पुजारी शंभुनाथ गिरी ने बताया कि स्वयंभू शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन अर्चना करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि दूर दूर से भक्त जल अभिषेक करने पहुंचते हैं। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महादेव झारखंडी मंदिर के मुख्य पुजारी शंभुनाथ गिरी ने कहा, पढ़ते रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए। पंडित जी बस करिए, पंडित जी आप इतना बंद पढ़ रहे हैं तो कहीं भी खड़े हो चलिए। बढ़िया भैया बढ़िया, जल्दी जल्दी उठिए आप लोग। अरे यहाँ बहुत टाइम मत लगा बेटा, चलो एक ही साल की रात चलिए चलिए हर हर महादेव, चलिए 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 चलिए, बढ़ते रहिए आप लोग, इधर से उठिए जल्दी से आप निकलिए। तो ये जो है सावन मास जो है 25 तारीख से चल करके 22 अगस्त तक चलेगा। इसमें जो है जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज सावन का पहला सोमवार था, थोड़ा भीड़ कम है लेकिन अब जनता जैसे आ रहे वैसे ही आते ही रहेंगे। भक्त यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। बस्ती देवरिया ये जो है महाराजगंज तक इधर के लोग आते हैं अधिकतर यहाँ जल चढ़ाने के लिए। महादेव सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं जी। ये जागृत स्थान है महादेव झारखंडी, यहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना लेकर के 95% लोगों की मनोकामना पूरी होती है और इसीलिए उनकी आस्था रहती है, वो बार बार यहाँ आते हैं।